सुबह जल्दी उठ गया है सरगी के लिए एंड यहाँ पे खाना बन चुका है। सरगी चाय आलू बनाए हुए हैं। तो जो हेलो गाइस, सो सरगी हो गई है मेरी खा के एंड अब मैं जा रही हूँ मेहंदी निकालने बिकॉज एट मॉर्निंग 6 o'clock बिकॉज कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और दूसरी चीज़, उप्स, मैंने तो मंगलसूत्र पहना ही नहीं, तो आई गेस अभी पहन ली थी मैं फटाफट। सो मैंने मंगलसूत्र पहन लिया अभी एंड मैं सोच रही हूँ, मैं बहुत लेट सोई हूँ, सो मैं सोच रही हूँ मैं अभी सो जाऊँ एंड उठ के फिर काम करूँ, या तो फिर अभी सारे काम निपटा दूँ। बट अगर मैंने अभी सारे काम निपटा दिए, प्रॉब्लम यही हो जाएगा, फिर तभी ईवो उठ जाएगी एंड मुझे सोने नहीं देगी। सो मेहंदी निकाल के, बिकॉज इस बारी मेहंदी नहीं हुई, आई वॉज सो बिजी बिकॉज मुझे कुछ शूट जो है वो कंप्लीट करके देने थे, पीआर प्रोडक्ट आए थे जो पेंडिंग थे, जो मुझे क्लियर करके देने थे उनको, एंड उसमें मुझे बाहर जाके मेहंदी निकालने का टाइम नहीं मिला। बट थैंकफुली टू माय हस्बैंड, लाइक ही सेड मी दैट कि मैं कोन ले आता हूँ एंड फिर तुझे जब भी टाइम मिलेगा एटलीस्ट कुछ नहीं थोड़ा बहुत एज अ शगुन का लगा लेना। सो अभी मैं वही करने वाली हूँ। सो मुझे मेहंदी आती नहीं है निकालने, सो लेट्स सी, कुछ ना कुछ तो निकाल ही लूँगी। फिर शाम को भी मैं उठ के, आई गेस मैं जा रही हूँ अभी सोने एंड सरगी तो हो चुकी है हमारी खा के, सो मैं जा रही हूँ सोने एंड सुबह फिर लेटर ऑन मैं उठ के ईवू के साथ ही, तो ईवू खेलती रहेगी एंड आई विल बी लाइक डूइंग माई वर्क। तो रेस्ट, पूजा वगैरह जो रहेगी वो मैं कर लूँगी फिर, क्योंकि शाम को पूजा है एंड देन मुझे आउटफिट भी निकालना है। सो बहुत सारे काम है एंड एक्चुअली मेरा काम ख़त्म करते 3 o'clock बज गए, 3 बज गए थे एंड मेरे हाथ और पैर इतने, थैंकफुली कल मैं मसाज करके आई थी तो मुझे इतना ज़्यादा लग नहीं रहा कुछ, बट या मैं थोड़ी सी टायर्ड हूँ एंड अभी सुबह जल्दी उठ के 4 o'clock को, 3 बजे सोई हूँ एंड 4 बजे मैं उठ गई हूँ। सो अभी इट्स लाइक मुझे नींद नहीं आ रही, बट जब ही नींद आएगी तब ईवू जग जाएगी एंड ईवू मुझे सोने नहीं देगी। सो आई मेक श्योर कि अभी मैं ट्राई टू स्लीप एंड फिर उसके बाद ही उठ के करती हूँ। मेरा हाथ दुख रहा है, बहुत बुरी वाला बुरा वाला दुख रहा है, कैमरा पकड़ वगैरह। सो गाइस मैं जा रही हूँ अभी सोने, सो कुछ नहीं, आउटफिट वगैरह निकालूंगी तब मैं आपको बताऊंगी मैं क्या पहनने वाली। बाय गाइस, इससे बड़ा शगुन क्या हो सकता है कि मेरा पति मेरी मेहंदी निकाल रहा है। आई स्वेयर आई एम सो हैप्पी। सो अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, बाकी है, सो गेट स्टार्टेड। मैंने ऑलरेडी 3 बार गई थी और इसको 3 बार इधर रश था, ये वापस आ गई, वो रश देख के इतना ज्यादा, या फिर उसके बाद मुझे काम भी था तो फिर मैं जा ही नहीं पाई। जो बनाने बने, चांद तारे पेड़ पौधे नहीं नहीं वो चूड़िया ही हो जाएगी, इधर ही बना बनानी है तूने। वाह, व्हाट अ मेहंदी। और कुछ करना है? नहीं, बस ये हाथ पे भी कर दो। इतनी देर मेहनत करके मैंने ये मेहंदी निकाली है, जस्ट सी द ब्यूटीफुल डिजाइन। सो अरे
यहाँ पे आपने आपका नाम भी लिखा। यहाँ पे हाँ, मैंने अपना इनिशियल अपना नाम डाला है पूरा और साइन किया है, मतलब सॉरी नया नाम लिखा है। सो मैडम हाउ इज योर मेन? आई एम हैप्पी, एट लीस्ट हाथ तो रहने बाकी, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग बट थैंक यू सो मच। इससे बड़ा शगुन क्या होगा कि पति अपने बीवी को मेहंदी लगा रहा है। स्पेशली तुझे नाम लिखने की जरूरत नहीं थी मोटा इधर, बट स्टिल इट्स ओके, आई एम हैप्पी। चलो अभी हम जा रहे सोने, बिकॉज़ आई एम रियली वेरी टायर्ड, मुझे सुबह उठ के मैं नाम इसलिए लग रहा है कि लग रहा है जरा मैंने निकाला करके। अच्छा अच्छा, ऑटोग्राफ दिया तूने तो, कोई बोलता है मेहंदी लगा के आया करके। अच्छा इतनी अच्छी मेहंदी, कॉन्फिडेंस देखो भाई साहब का, कॉन्फिडेंस किसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। अच्छा है बट एटलीस्ट मेरे हाथ रंग गया ना। अरे यार मेहंदी वाला ही नहीं मिल रहा था, और बाद में इतनी रश, इतनी रश ना, मैंने सोचा यार अभी रहन दो, बिकॉज घर पे आके वो भी अकेली थी, आई हैव टू डू एवरीथिंग, तो रह ही गया। बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है मेरे पे, सो प्लीज़ फोकस बंद कीजिए। तो फाइनली आई एम रेडी नाउ, दिस इज़ माई चूड़ा एंड ये, तो इवो को भी नया, इवो हाय इवा, इवा को भी नया ड्रेस पहना दिया एंड इवो इज़ ईटिंग एंड पहना हुआ है मैंने जो नया है एंड सिंपल सा है, बहुत ही अच्छा लुक देता है, आई रियली लव्ड इट। तो मैं अब जा रही हूँ एंड अपनी थाली बना लेती हूँ करवा चौथ की पूजा करने के लिए, बिकॉज पूजा अभी तक हमने की नहीं है। तो आई हूँ अब, मुझे एक्चुअली बेसिकली आटे का दिया बनाना है, उसके बाद थोड़े से राइस एंड हल्दी कुमकुम एंड मिठाई लेनी है, सो आई एम गोइंग टू डू दैट। ये रखी मैंने मिठाई, फल और दिया एंड ये चावल। अभी मैं रखूँगी यहाँ पे गणपति बप्पा और गणेश जी की मूर्ति रखने के बाद यहाँ पे रखूँगी थोड़े से फूल एंड फिर हम पूजा, जैसे ही चांद दिख जाएगा तो पूजा आरंभ करेंगे, उसके पहले हम कथा शुरू करेंगे। तो मैं बना रही हूँ रोटी सब्जी, क्योंकि ऑब्वियसली व्रत टूटने के बाद भूख तो बहुत ज़ोर से लगती है, उससे ज़्यादा लगती है प्यास, तो अभी मुझे हल्की हल्की सी प्यास लगने लगी है, सो होपफुली चांद जल्दी आ जाए और यू नो व्रत हम खोल दें हमारा। तो यहाँ पे मैंने बनाना शुरू किया, यूजुअली आई डोंट लाइक चावल, मतलब मुझे चावल पसंद है बट यू नो मुझे प्रॉपर खाना चाहिए लाइक रोटी सब्जी दाल चावल, तो ये मुझे यूजुअली लगता है। तो लाइक फॉर मी आटा बचा हुआ था तो मैं खाना बना रही हूँ अभी एंड लाइक रोटियाँ भी बना रही हूँ, तो मैं दो रोटी खा जाऊँगी एंड थोड़ा सा चावल, बिकॉज अभी सडनली कुछ नहीं है पेट में एंड सडनली एकदम खाना भी चले जाए तो ऐसे भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो आई एम गोइंग टू हैव लाइक स्मॉल स्मॉल पोर्शन ऑफ अ फूड, तो मैंने बनाई है काली दाल एंड रोटी, साग बनाया है एंड दैट्स इट, चावल बनाया है। सो अभी ईवू को खिलाने का टाइम हो गया है, तो अभी मैं रोटी बना के फटाफट जाऊंगी और ईवू को खाना खिलाऊंगी। आई हेट यू नो आई रियली हेट कि अच्छे तैयार हो के किचन में खड़े रहो, आई रियली बस मुझे मॉडलिंग करने का दिल करता है और कुछ नहीं। सो आई हेट कि स्पेशली रोटियाँ छोटियाँ बनानी हो, आटा पूरा यहाँ पे पेट के यहाँ पे लग जाना है। तो यहाँ पे पक रही है मेरी रोटी दाल, मैं ऑलरेडी ये सब्जी बना चुकी हूँ और यहाँ पे दाल डाली हुई है,
तो कल हम दही बड़े बनाएंगे। यस, हम दही बड़े बनाएंगे कल। एंड यहाँ पे मैंने बनाए हैं चावल गरम गरम। जब व्रत टूट जाएगा तो चावल खाएंगे ऑब्वियसली, बट रोटी इज़ मस्ट फॉर मी। आई रियली लव रोटी। एंड मुझे कुछ नहीं दो ना, बटर रोटी भी दे दो, आई एम सॉर्टेड। लाइक मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बटर रोटी एंड चाय। सो वन ऑफ माई फेवरेट स्टफ। ये हमारी बाई को कब से बोल रही है निकाल निकाल, बट नहीं, आज मैं ही फेंकूँगी उसको। तो अभी खाना पका के लेट्स सी चांद आ जाए, क्योंकि हल्की हल्की सी प्याज लगने लग गई है मुझे। मुझे एडिटिंग भी करनी है, तो अभी ये करके आई एम गोइंग अपस्टेयर एंड मैं एडिटिंग कर लूँगी। काम कंप्लीट करना है, मुझे देना भी है। सो लॉट ऑफ वर्क एंड दिस इज़ माई आउटफिट फॉर टुडे। दिस इज़ नॉट अ राइट प्लेस टू शो यू आउटफिट, सो मैं ऊपर बेडरूम में जाके दिखाती हूँ आप लोगों को। बाय। मेरी 5 रोटियां बन गई है, सो दैट इज़ इनफ फॉर मी। सो रोटियों का डब्बा करूँगी बंद एंड फिर उसके बाद यहाँ पे पक रही है दाल। फिर मैंने ये साग बनाया हुआ है एंड दूध गर्म किया है, तो इन केस अगर सर्गी किसी को खानी है तो सर्गी यहाँ पे मैंने पका के रखी है। सिर्फ दूध डाल के आपको सर्गी ले लेनी है, और यहाँ पे बनाया मैंने चावल। सो दिस इज़ अ मील फॉर टुडे। ये कपड़ा जाएगा कचरे के डब्बे के अंदर बिना किसी को कहे। यहाँ पे बना दिया है मैंने मिल्क वाला रूह अफ़ज़ा। अब ये जाएगा सीधा फ्रिज में। बाय। मैं जा रही हूँ ऊपर, अब मुझे मेरा काम करना है। सो यहाँ पे हमने छोटू से पूजा की है, प्रसाद वगैरह, सो दिया एंड फ्रूट्स एंड ऑल द सब रखा हुआ। नाउ आई एम गोइंग टू डू माई एडिटिंग, बिकॉज बहुत टाइम से पेंडिंग है एंड मुझे उनको देना भी है एज सुन एज पॉसिबल। फिर ये रूम वाइंड अप करना है। घर के काम यार ख़त्म ही नहीं हो रहे, मुझे ऐसे लग रहा है। यहाँ पे चल रही है मेरी एडिटिंग, वेटिंग फॉर चांद। एंड ये चांद हमारा यहाँ पे है। सो फाइनली चांद निकला है। अभी निकला, निकलने वाला, मतलब देख शायद निकल गए, मैं बुला रहा हूँ सबको। ओह माय गॉड, आई एम सो हंग्री एंड प्यासी। आई एम सो भूखी एंड प्यासी फॉर यू डार्लिंग। एक दिन नहीं खा तो फिर क्या करेगी? ठीक है, नहीं खाऊंगी, दूसरे दिन खाऊंगी। ये निकल जाना चाहिए। अच्छा, ये मेरे हस्बैंड ने मेहंदी निकाली। ये मेरी इतनी प्यारी मेहंदी मैंने निकाली है, देखो जरा। इस बार मैं इनिशियल्स भी लिखे दूसरे साइड में। जी दिखाओ। सी माय इनिशियल्स लगे ताकि लगे कि मैंने लगाई ये मेहंदी। ओके, यू वांट टू से एनीथिंग एल्स? खुशी अभी बस वेट कर रहे हैं, चांद निकल गया तो फन आउट पूजा वूजा करके जो है लेडीज वगैरह दे विल हैव स्टार्ट ईटिंग। बाय द वे तूने भी फास्ट रखा है, वो भी बता देना सच सच। हर साल ये आदमी मेरे लिए फास्ट रखता है। तो यार तू यू स्टे हंग्री, तो इवन आई शुड से हंग्री ना। हाँ, बट तुझे पता नहीं कैसे कंट्रोल हो जाता है यार मेरे को। एक्चुअली मुझे भूख भी नहीं लग रही, बट मुझे प्यास लग रही है। हाउ अबाउट यू? मेरे को भी थोड़ा एक्चुअली आई एम फीलिंग हंग्री, बट ठीक है हो जाएगा उसके बाद। फिर हमारा हल्क या हल्क हल्क मैन फीलिंग हंग्री, ये क्या नाम रख दिया बिग मैक में? ये तो लगता है ये हल्क की तरह नाम है ये। मेरी तारीफ कर, मैं कैसी लग रही हूं? सो यू आर लुकिंग प्रीटी एज यूजुअल। थैंक यू। और अभी फाइनली हो जाएगा, तो मेरी माँ तो वेट कर रही है मेरे को, मुझे मुंडा निकला निकला दो चांद दे, दो दो मिनट के बाद अपडेट देना पड़ रहा है मेरे को। सो एक्चुअली मैं काम कर रही हूँ शायद, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा। सो हाँ, मैं भी थोड़ा बिजी था एंड सब हो जाए अभी, तो वी विल हैव समथिंग एंड खत्म करते जो भी है फास्टिंग वगैरह आज का। और हाउ इज योर एक्सपीरियंस? थर्ड फास्ट तो अभी एक्सपीरियंस हो गई है बहुत ज्यादा। थर्ड क्या, फोर्थ ना? फोर्थ, सॉरी फोर्थ, फोर्थ फास्ट। 4 साल जेल दिया मेरे को तूने। मैं आपको सच सच बता रहा हूं, बिफोर मैरिज आल्सो शी टू कीप फास्ट। तो ये 4 साल से काउंटिंग है ऑन लाइक रिकॉर्ड्स में। सही की नहीं? मैं शादी से पहले भी इसके लिए फास्ट रखती थी, बिकॉज मैं बहुत मेंटली श्योर हो गई थी कि भाई मुझे शादी करनी है तो इस बंदे से ही करनी है। बहुत कंजेस्टेड जगह है इधर।